इंदौर की एमजी रोड थाना पुलिस ने क्षेत्र में दो जगह बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 20 लाख रुपए की 1000 से अधिक नामी कंपनियों की घड़ियां बरामद की है। साथ ही पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। बता दें, एमजी रोड पुलिस ने जेल रोड और एक अन्य जगह पर कार्रवाई करते हुए दानिश अंसारी और अनिल तेजवानी को पकड़ा है। दोनों बदमाश नामी कंपनियों की नकली घड़ियां बेचते थे। इनके पास से 1000 से ज्यादा घड़ियां मिली है, जिनकी कीमत 20 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। ये यूनाइटेड ओवरसीज ट्रेडमार्क कंपनी के वो हैं, कंपनी के कर्मचारी दीपक श्रीवास्तव जी। उन्होंने थाने पर आकर सूचना दी है कि लोधी मोहल्ला एवं जेल रोड पर दो प्रतिष्ठान हैं, जहाँ पर नामी कंपनियों की घड़ियों पर ओवरलैपिंग करके और उनके नाम बदल कर उनको बेचा जा रहा है, जिससे कंपनी का नाम बदनाम हो रहा है। उसके तहत हम लोगों ने थाने से उप निरीक्षक मस्कोले जी और उनकी टीम और ASI जामोद और उनकी टीम को, दो टीम बनाकर उनकी टीम के साथ भेजा, जहाँ पर जाकर रेड किया। दोनों प्रतिष्ठानों से करीब 700-750 से अधिक घड़ियाँ मिली, जिनकी कीमत 13 से 14 लाख रुपए के करीब आंकी गई है। और ये KCO और रेडो कंपनी के नामों को परिवर्तित कर घड़ियों पर से ये बेचा करते थे, और इन लोगों को मौके से गिरफ्तार कर थाने लाया गया है, और इनसे और विस्तृत पूछताछ की जा रही है, और कल इनको माननीय न्यायालय जुडिशियल रिमांड पर पेश किया जाएगा। सर, ये कहाँ से लाते थे, क्या इसके संबंध में अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।